हमने एक जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है फिलहाल, वो क्या कर रखी है? कुछ भी कहो, दो तीन दिन तुम कहीं रुक जाओ, तुम्हें मतलब ऐसा अपनापन सा लगने लग जाता है अपना आप, ऑटोमेटिक वो फील आने लगती है कि भाई जैसा हो आप उठेंगे, सामने ये पेड़ है, ये पेड़ भी बड़ा सेक्सी यार, देखना इतना बड़ा भारी भरकम सा पेड़ ना, पटियाला एक नंबर चीज ना है। हाँ पेड़ यो तो बढ़िया, पर वो वो सूखा वो पता ना, उसमें ऐंठ है। देखो गाइस, अगर तुम सीधा ही खड़ा, बिल्कुल सीधा, देखो हाँ मिसाइल सी है। आज हमारा यहाँ से निकलने का प्लान है, अब कहाँ निकलेंगे पहले, अभी हमारा प्लान है बीर बिलिंग का, रास्ते में कहीं जाते जाते चेंज हो जाए, चेंज हो सकता है प्लान? नो तो बीर बिलिंग निकल रहे हैं, वहाँ जाके पैरा या फिर सेक्टर 40 तो देखते हैं जहाँ भी निकलेंगे। अभी नहा धो के, ना नहा धोके तो नहाने का तो कोई मतलब ही ना, वही नहाएंगे, नदी वदी में ही नहा रहे हैं। चलो ना, चलो यार, चलो ना, चल चलो। नदी में ही नहाएंगे तो अभी पहले निकल ही लेते हैं सीधा डायरेक्ट। चले हो गई, तीन दिन तक यो छोरा सैंडविच खा रहा है भाई साहब, इससे इससे पता चलता है कि तुम कितने लॉयल आदमी हो, तुम सैंडविच नहीं छोड़ रहे, तुम और कुछ कैसे छोड़ सकते हो? नहीं, बहुत कम ऐसे लॉयल इंसान मिलेंगे जो अपने एक चीज को प्यार कर ले तो उसी चीज को प्यार करते रहे, वरना फिर वैसा रहेगा कि भटक जाना लोग। नहीं गलत तो नहीं कह रहा, सज्जन आ गए। कभी भी किसी की लॉयल्टी चेक करनी हो ऐसा करो भाई, और मंगवा दो सैंडविच कितना बोला है रे, कितना बोला तो अपनी निकलने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है, सामान हमने रख दिया है इसमें सारा का सारा, एक आध छोटी मोटी चीज जो रह थी वे भी। अब निकलेंगे बीर बिलिंग शायद निकलेंगे, मतलब प्लान वहीं का है पूरा, पर अब निकलते टाइम थोड़ा सा होया करा ना कि मूड चेंज हो जाए बाद में, तो वो वाला कांड होगा तो अलग बात है, नहीं तो फिर तुम्हें सीधा वही मिलेंगे बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते हुए। ओ भाई, इसकी सनरूफ की छत बंद कर यार, इसमें गर्मी बना दी। सनरूफ के फायदे हैं तो नुकसान भी, और गाड़ी जल रही है पीछे तो हाथ लगा गर्म भुग्गा में तो सब कुछ। चलो वीर लेट्स गो भाई, मजाक की सोबात, लेकिन यहाँ के सब लोग ना हमें पागल समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे एक BMW एक लोती घूम रही है, वरना सब अल्टो वल्टो लेके आए या फिर ऊंची गाड़ी है फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ी लेके आए अपना। अब ये नीची गाड़ी ना ऐसी जगह पे देख के सबका उनका भी वो है क्या नाम है, जाए जाए उनका रिएक्शन ऐसा आना, देख अब यहाँ कैसे चढ़ाई पे अभी दिक्कत आ गया हर जगह, मतलब छोटी छोटी बात पे सोचनी पड़े बहुत ज्यादा, बिल्कुल स्लो मोशन में लेनी पड़े, वरना इसमें नीचे आवाज आए और फिर आवाज दिल में आवे सीधी। शुक्र है वहां तो हम लेके ना गए, जहाँ नहाने के लिए गए थे वहां तो और ऊपर खबर थे, वहां तो खड़ी हो जाती ना, हो जाती ना, कहती मैं ना जा रही घर ही ना जा रही, शर्मा जावे ये थोड़ी सी ऐसे गंदे रस्तों पे जाने की जगह वो ना, मतलब ये वैसे है हाई क्लास वाली कॉन्वेंट स्कूल की बालक है रहे करें जैसे वैसे है ना। हाँ। हमारे तरह ना सरकारी स्कूल की जैसे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ये रहे हो ना, स्विफ्ट भी अपनी सरकारी स्कूल की है, ये थोड़ा वैसे तो है, तो यार स्विफ्ट तो लगा ले मिनी स्कॉर्पियो है, पर चलो अभी सब पहुंचाएंगे, मतलब ये हमें पहुंचाएगी कोई दिक्कत वाली बात ना, वैसे दाव ना मान लीजिए किसी चीज का भी, वैसे तुम समझ लो देख के पब्लिक की नोरी होगी, अरे ला सकते हैं। मेरा फोन ये रहा भाई, दोनों मेरा पर्स तेरे पास है ना, पर्स ना भाई मेरे पास, भाई एक बार बैग में चेक करियो, मैं किसी दिन इस बात पे मारा जाऊंगा, मेरा पर्स वर्स मेरे ध्यान ना रहा, कहाँ गया कहाँ ना गया, चेक कर आराम आराम से चलती रहना है। चलो हैगा कोई दिक्कत वाली बात, मैं ध्यान रखूँ मैं ऐसी बात ना, कभी तुम मुझे क्लमजी समझ रहे हो बहुत ज्यादा ही। ये वही जाम है जहाँ उस दिन फंस रहे थे, अब जाते टाइम भी आते टाइम भी फंसे थे, अब जाते टाइम भी फंस रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल में हमें लग जाएंगे 3-4 घंटे इस जाम में। हमारी कोशिश ये थी कि हम वहाँ पहुंच जाएं बीर बिलिंग, पर अब लगना रहा है कि हम बीर बिलिंग पहुंच पाएंगे, क्योंकि रात को शाम को तो वो होती नहीं है, अंधेरा होने के बाद वो बंद कर देते हैं, क्या नाम है पैराग्लाइडिंग सीन, अभी पता नहीं कुछ कैसा है, कुछ भी हो सकता है, शायद हम एक बार देखते हैं इस जाम से क्रॉस कर ले, अगर ये घंटे में भी हमने क्रॉस कर लिया तो हम शायद टाइम पर पहुंच जाए और हम वहाँ पे ये क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग कर सके, लेकिन अगर ये क्रॉस ही नहीं कर पाए तो रात हो जाएगी, फिर हम सीधा निकल जाएंगे घर, क्लियर कर ले जाम वाला रास्ता, फिर उसके बाद देखते हैं डिसाइड करते हैं कहाँ जाना, कहीं रुक के कुछ खाएंगे पिएंगे वहाँ डिसाइड करेंगे क्या सीन करना है। एक तो जाम में तो बड़ी मुश्किल से निकल गए हैं, लेकिन हमने प्लान चेंज कर दिया, प्लान कुछ ऐसा सा है अब कि हम लोग जा रहे हैं अभी बीर बिलिंग, तो आज रात को हम रुकेंगे बीर बिलिंग पे ही सुबह सुबह, क्योंकि आज हम लेट हो जाएंगे, तो सुबह सुबह करेंगे वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। फाइनली हमारा फाइनल हो चुका है कि हम बीर बिलिंग ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता थोड़ा सा अलग है, वही पहाड़ है सेम दोनों साइड, पर इंजन मतलब इंजन खाइए इंजन ना एक तो, और दूसरा ना थोड़ा सा अजीब सा रास्ता, मतलब वैसा सा है कि डरावना सा ना होता है, जंगल वंगल टाइप का सराय करा ना पटियाला, उस पर मतलब ये था कि हाइट ज्यादा थी वैसा दिखा था, इस पर हाइट इतनी ज्यादा ना है अभी तक ना आई है, मतलब पिछली बार जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से ना ले यो, शायद जहाँ मंडी लिखड़े थे हमें ना, वो वैसा सही रास्ता लग रहा है जब पिछली बार हम मनाली आए थे ना, मतलब जहाँ मनाली आए थे जब गए थे, तो वैसा सही रास्ता लग रहा है, आगे जाएगा शायद यो भी बहुत पतला हो जाएगा, आ जा तेरी ऐसी तैसी, मतलब सिंगल रोड है, इनका चैन नहीं है भाई, HP नंबर वाली गाड़ी है सारी, ये देखो कैसे देखो पहाड़ पे, जहाँ तुम्हें नो नहीं पता हल्का सा कट लगती कौन सा किंगन पड़ जाएगा, वहाँ भी सेफ्टी ना चला रहे थे हराम ही, आ जा भाई तू भी आ जा, ये देख रहे हो भाई, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब थोड़ी पीछे लेनी पड़ेगी आपको, ये तो प्रधान भाई, देखो अब यहाँ कुछ भी ना है, यहाँ का रास्ता अब तुमने देख लिया कैसा है, अब यहाँ देख लो इंगे भी गाड़ी आ गई, इंगे तो हमारी गाड़ी थी, अब उसने पीछे लेनी पड़ी, अब नू समझ लो पीछे 4-5 गाड़ी और आ जाए बाय चांस, तो जाम तो लगना पक्का हो ही गया, पर व्यू यहाँ का भाई, मतलब ये बीर बिलिंग वाला जो ये रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं ये वाला व्यू मनाली वाले उस व्यू से भी बहुत प्यारा व्यू है, पटेल एक बार ऊपर तो दिखाइए सनरूफ पर निकल के,
पटेला ने पूरी बात भी ना सुनी, पहले सनरूफ में तो लिखड़ गा, अब बिना दिखा रहा कैमरे पे मैंने तो बड़ा बे याद है बात करता चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कमेंट करेंगे भाई पटेला छोरी फोटो देख रहा जूम कर कर। ओ भाई ये तो बहुत कैड़ा व्यू, फिर मचरी है तू, तेरी कसम में तो एक पैर ऊपर और खड़ा हूँ, बहुत कैड़ा व्यू है, बहुत कैड़ा। जिसने कहा ना आखिरी आखिरी है, अगर इंगित इंगित काटियो ना ठीक है भाई, यहाँ है एकदम झोला से पड़ रहे हैं, तो कभी गिर ना जाऊँ मैं तो। अभी वो लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, मतलब हमने यहाँ एक स्टॉप लिया, अभी हम यहाँ मैगी वैगी खाएंगे थोड़ा सा, तक मेरा दुग्गी पहाड़ में चला चला के पीछे से होड़ मारा ना, बहुत ज्यादा इरिटेट करा है। और वो तो शुक्र है ये मतलब BMW तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर वैसी कोई गाड़ी हो दूसरी कोई गाड़ी हो तो उसमें तो बहुत अनकंफर्टेबल है। अपना यहाँ रुकने का फायदा ना, क्यों अंकल वो ना लेता लगा पेटीएम फोन कैश है ना हमारे पास अंकल, कैश है हमारे पास, मेरे पास में रखे, मैंने देखे अभी जब पानी लिया था ना, जब देखे ज्यादा पीछे भी ना थे पहुंच गए, अभी मैगी बनी बना उससे पहले पहुंच गए, चीते हैं वैसे ये भी। भाई गाड़ियों के एक बार तुम हालत देख लो, घर तक जब लाए थे ना ना धोक आई थी ये बढ़िया, इसकी तो बहुत ज्यादा ना धोक आई थी, यो देख चींट मार रखी है बढ़िया ही किसी ने, देखी हो पीछे तो ज्यादा बुरी है, पीछे दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, शीशा देख इस पर लिख भी सके कुछ, ऑफ रोडिंग के लिए तो बनी है गाड़ी, नदी पे ले गए थे याद ना है, हाँ वहाँ भी तो गंदी रही थी, अब ये उंगली कहाँ साफ करूँ नहीं मेरे भाई। हमने एक जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है फिलहाल, वो क्या कर रखी है कि जो सबसे बड़ी गलती हो, दूसरी गलती क्या पता है हमारी, इसमें तो वो भी ना है, क्या करो उसे स्टेपनी ना है, स्टेपनी ना है गाड़ी में, छोटा टायर है इसका, इसका ना लगेगा, बना दो उसको भाई, 17 नंबर होगा ना इसका, 18 है इसका, ओहो ना लगेगा ये तो बहुत बड़ा है, अगर कहीं कुछ दिक्कत होगी तो फिर खड़े होना पड़ेगा, रोड पार कर आना पड़ रहा खाना खाने के लिए, बाबा क्या सीटिंग है, एक नंबर लग्जरी अंकल कुछ है पीने का ठंडा, जो वो रखे आपके पास छोटी वाली नकली फ्रूटी वो दे दो, लोकल चश्मा लगाने के साइड इफेक्ट गड्ढे पड़ गए यार, भाई लोकल की बात रहा, मैंने आदत रहा ना चश्मा लगाने की, और ये बाल खड़े हो गए थे यहाँ पे ना। तो गाइस हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया यहाँ पे, दोनों गाड़ियाँ यहाँ लगा दी हैं, इसमें वो एलविश तो सो रहा है, तो करप्ट चला के लाए इतनी दूर तक, गाड़ी सो रहा है, जब तक सो रहा है जब तक है वहां तक गाड़ी चेंज करी थी ना वहीं तक सो ही रहा है अपना, लंबा वो लेट रहा है बढ़िया। यहाँ हमने सोचा थोड़ा सा ना यहाँ का व्यू अलग है, मतलब यहाँ तुम अगर हम पहाड़ पहाड़ की क्लिप लेना, ये जो के कर रहे सिनेमैटिक शॉट बनाने लगे, तो इसमें समझ लो तुम 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती, इसलिए हम ज्यादा सीन ना ले रहे, जो मेन मेन चीज है वो तुम्हें दिखाई दी है। अब यहाँ जो थोड़ा सा व्यू अलग था, ये पेड़ वेड़ थे यहाँ पे, जैसे पुरानी फिल्म बनाए करते देवानंद वाले टाइप में, तो मैंने सोची कि अपना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो तुम तक, वो था मिस्टर देवानंद, मैं मिस्टर लेवानंद, तो हमें एक वीडियो बनाएंगे छोटी सी इंस्टाग्राम के लिए, वो देखो अब क्या बनाएंगे, वो हमने सोचना अभी तक वही वाली ऐसी, तो देखो क्या बनाते हैं, सीधा खड़ा हो जाता है यहाँ तो 1 घंटे का रास्ता रह रहा है बीर बिलिंग का, अगर आज ही हमारा वो हो पाया क्या नाम है, बटन सारे खुल जाओ ना छाती वाते दिख जाओ, अगर आज ही हमारा वो हो पाया क्या बोलते हैं उसे पैराग्लाइडिंग, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल करेंगे सुबह सुबह, आज रात को यहीं रुकेंगे, प्लान सारे हमारे ऐसे ही है। हम ना दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो घर से ही गूगल कर काम है कि यहाँ जाएंगे ये चीजें वो करेंगे डिस्कवर करेंगे और भाई यहाँ यहाँ पे जाके ये चीजें करेंगे, एक होते हैं जो नुई चले जाओ मुंह उठाकर फिर वहां जाके कब के करना है, तो हम उनमें आते हैं, ठीक है ना, तुम बुरा मत मानना इस चीज़, समझ जाना। भाई ये तुम देख रहे हो इसमें ये यहाँ पे कोई खेती होती है, किस चीज की होती है मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा मैं आते टाइम करूंगा या बात वहां पे जाके इसे पूछूंगा, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा था ये देखने में ना, ऐसा सीढ़ी सी बना रखी थी, बढ़िया व्यू था। तो भाई हम पहुंच गए अपने होटल पे, ये पीछे ये जो भी है अभी पता नहीं, हम वहां जाके देखेंगे एक बार हम यहाँ स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमने यहाँ बात कर रखी पटियाला के क्यों जानकर, तो ये होते ये खा रहे हैं भाई यहाँ आते ही, पर यहाँ का व्यू तुम्हें इतना मतलब सुकून आया, यहाँ हम वहाँ थे वहाँ भी अच्छा था, लेकिन यहाँ आसमान है सीधा, समझ रहे पहाड़ वहाड़ कुछ भी ना, सीधा आसमान दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो तुम व्यू, ये मतलब वहाँ पहाड़ थे यहाँ सीधे सीधे बादल है और कुछ भी ना, मतलब सारा खुला आसमान। ये हमारा जो होटल होगा या जो रेस्टोरेंट पता नहीं क्या हमारी इसमें बात हुई है पर, और उसके इसके बाद मतलब कुछ भी ना, यहाँ सब कुछ खुला पूरा ये व्यू। अब थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा होगा इसलिए तुम्हें समझ ना आ रहा होगा, पर सुबह दिखाऊंगा। हाथ ही दे दिया मैंने तो इसमें, हाथ दे दिया डर के मारे ही वो पीछे बैठ गया कि इसके नीचे सांप है, यूं कर मैंने हाथ दे दिया तो सपेरा तो ना है मेरा, ऊपर चढ़ा देना सगूटी खड़ी है यार वहां हो जाएगी। चलो जी घर जैसा होटल मिल गया है, अब अपना सामान निकाल लेते बस। तो भाई यहाँ के ना सारे होटल बुक थे, मतलब सारे सब कुछ फुल है, यहाँ पे क्राउड अच्छा खासा आ रखा है, हमें एक रूम मिला जो ले देगा यो बेड है, और यहाँ एक डाल देंगे गद्दा, एक गद्दा डालेंगे दो भाई, तीन तीन गद्दे डालेंगे, कांग्रेस से अप्रोच भी लगाई तो भी कुछ नहीं हुआ।
तो एक ही रूम था अब यहाँ गद्दा वद्दा डाल के जैसे एडजस्ट होगा वैसे होएगा देखेंगे। पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, मैं तो नहा लेता हूँ। ये बताना क्या करे तू, क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं जा रहा हूं। अरे नहाने तो मैं जा रहा हूँ, चल साले हम भी नहाएंगे साथ नहाएंगे। आजा हम थोड़ा सा लेट हो गए ना, रात के अब 9:30 बज रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा क्राउड तो इतना नहीं है लेकिन वाइब एक बहुत अच्छी है। ये कैफे है तो चलो यहीं चलते हैं थोड़ी देर। मैं सोच रहा था कि नहा लूं फिर मैंने सोचा कि बाद में जाऊंगा, पहले थोड़ा सा घूम आते क्योंकि फिर बंद हो जाएगा 10 बजे से कुछ, आधा घंटा हमारे पास। ये भी कैफे है, इधर भी कैफे है और इधर ये आगे चल के भी 2-4 और कैफेज हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ बहुत सारे कैफे हैं, अच्छा व्यू है और पैराग्लाइडिंग है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं। यहाँ थोड़ा सुकून है, मतलब वो है ना जैसे कसोल मनाली ये हो गए थोड़ा घिचपिच वाले टाइप के एरिया, यहाँ पे थोड़ा इंसान की सुकून के लिए आए अपने आप से मिले, मतलब वो होता ना मी टाइम वाला टाइप, वो वाली जगह है, बढ़िया जगह है मतलब कुल मिला के। अब कल सुबह हम जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए, अब एक बार पता कर लेंगे होटल में कि क्या सीन होता है कैसे होता है, वो सब कुछ फाइनल करवा के फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे घर। अभी तक ये प्लान है, अभी इसमें कुछ चेंज हो भी जाए थोड़ा बहुत तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल जिस कैफे पे हम गए थे अभी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने कहा यहाँ बेफालतू में कॉपीराइट आ जाएगा तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं खत्म कर दूं क्योंकि अब खाना वाना खा के हम होटल ही जाएंगे और फिर नहा के मैं सोऊंगा, एडिट भी करना है ये व्लॉग यार अभी तो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है गाइस, बाय बाय।